प्रॉब्लम वहाँ पे आता है जब हमको पता ही नहीं होता मेरे साथ वायलेशन हो रहा है राइट्स का मेरे। और एक सही फॉर एग्जांपल घरेलू हिंसा का उदाहरण उठाएं तो महिलाओं को, ज़्यादातर महिलाओं को ट्रेनिंग से पहले ये एहसास ही नहीं होता कि मारने पीटने के अलावा भी हिंसा होती है और वो घरेलू हिंसा में आती है या हिंसा का कारण, जैसे कि गाली दे लेना या ताने देना, पैसे नहीं देना, तरह तरह की जो घरेलू हिंसा के मामले हैं जिस तरह के जो लॉ ने डिफाइन किया है, जब उनको पता चलता है अच्छा ये भी वायलेंस है तो एकदम से ड्रास्टिक चेंज होता है। एक तो पहला यहीं पे हो जाता है कि रिकॉग्निशन, तो द मोमेंट यू रिकॉग्नाइज व्हाट काइंड ऑफ वायलेशन यू आर फेसिंग सो डेफिनेटली यू विल फाइंड आउट दैट के व्हाट काइंड ऑफ रेमेडीज आर अवेलेबल इन द लॉ। सो सिमिलरली यू प्रोसीड टुवर्ड यू नो एक्सेसिंग टू जस्टिस। कि अगर लोगों को उनका राइट्स पता होगा तो वो अपने राइट्स को प्राप्त करने के लिए जाएंगे। स्टेक होल्डर्स हैं जो ड्यूटी बेयरर्स हैं उनको पता होगा कि जिनका जेन्युइन अर्थ है वो दान नहीं दे रहे हैं, एहसान नहीं कर रहे हैं, वो एक ड्यूटी है उनका, वो निभा रहे हैं इनके राइट्स को पूरा करवाने में। तो इस तरह से एक ड्रास्टिक चेंज एकदम से बदलाव आता है महिलाओं के प्रति समाज में, या फिर जो वंचित वर्ग है उनके प्रति समाज में जो एक रुख है, मतलब एक दबी सी इग्नोरेंस है या खुली इग्नोरेंस भी है, तो उसमें मतलब एक मैन का क्या रोल हो सकता था, एक पुरुष होने के नाते मैं उसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकता था, तो ये एक महत्वपूर्ण पहलू था। हमें अगर मैं ग्राम पंचायत का मुद्दा उठाऊं तो वहाँ पे हमने देखा कि पुरुषों की ये रहती है कि भाई ग्राम सभा जो है वो मतलब बुलाने का मतलब मनमानापन होता है या मतलब सही समय पर नहीं बुलाया जाता है। महिलाओं का ये मुद्दा भी है, प्लस ये भी मुद्दा है कि अगर कोई महिला है और उसको जीत गई है तो उसका पति उसे नहीं पार्टिसिपेट करने दे रहा है, तो ये मुद्दा एक और वो पार्टिसिपेशन का मुद्दा। रात के 1:30 बजे कोई आपको कॉल करे यूपी से और यूपी के जौनपुर ज़िले से, उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूँ, तो आपको ये पूछा जाए कि मेरे भाई को पकड़ के ले गए हैं अब मैं क्या करूं, तो आप क्या जवाब देंगे, ये बड़ा एक मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह बनता है उस वक्त। लेकिन उस वक्त वही है फिर जो प्रक्रिया है, पुलिस की प्रक्रिया है, आप फॉलो करें और फिर जाएं या फिर लोगों को लेके। सुबह सुबह कॉल आया एक महिला का कि उनकी बहन सुबह 7 बजे से गायब हो गई है और वो शायद खुदकुशी करने गई है। आप दिल्ली में बैठे हैं, महिला लखनऊ में बैठी हुई है, वहाँ पे फिर क्या कर सकते। तो यही था कि फिर वही मोटिवेशन उनको कि आप घबराएं नहीं, आप पुलिस को अप्रोच करें, जो रूल ऑफ लॉ का प्रक्रिया है जो हम उनको बताते हैं, क्योंकि वो टेस्ट टाइम होता है आपका, आपने पढ़ाया सब कुछ है, आपने अपने अपने समझाया है लोगों को, लेकिन जो एन मौके पे जब ज़रूरत है कानून को इस्तेमाल करने की या आपके जो नॉलेज है सशक्तिकरण का या जागरूकता का, उस वक्त मतलब आपको अलर्ट रहना है। एक वर्क एरिया है हमारा सादा गेवड़ा सलम में सेटलमेंट कॉलोनी, उदाहरण के लिए वहाँ पर पिछले कई दिनों से वर्क करने के बाद अभी ये निकल के आया, वहाँ पे आप जाएं वहाँ देखें सिविक एम्यूनिटीज़ में काफ़ी चेंज आया और वहाँ महिलाएं जो हैं वो उनको लगता है कि अच्छा ये काम पे इनिशिएटिव से राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत एक एप्लीकेशन मात्र लगा देने से कि यहाँ पानी के कितने टैंकर आते हैं, वहाँ ऐसा बदलाव हुआ कि जहाँ जहाँ पे टैंकर, पहले तो 20 जगह पे टैंकर आया करता था अमूमन 20 से 22 जगह पे, बट 88 प्लेसेस पे टैंकर आने थे और वहाँ पे 88 प्लेसेस पे टैंकर आने शुरू हो गए। पानी 6 दिन आता है हफ्ते में, जबकि पहले हफ्ते में 1-2 दिन आता था। आज वहाँ जाएं गर्मी के सीजन में भी लोगों से पूछे, महिलाओं से बोलेंगे पानी के लिए हम संतुष्ट हैं टैंकर से। अब वहाँ लड़ाई अगले स्टेज पर पहुँच गई, भाई अब पाइपलाइन चाहिए, अब पाइपलाइन की है, पता ही चला कि गवर्नमेंट ने पाइपलाइन भी पास कर दिया है बिना कोर्ट के कर लगाया, मतलब कोर्ट एक अल्टीमेट आंसर था, बट उससे पहले ही महिलाओं ने अपने राइट्स को प्रैक्टिस किया। एक 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 अप्रोच जो था लॉ के प्रति कि सिर्फ जा करके वहाँ पे होड़हाड़ कर दिया या दंगे फसाद कर दिए या मार के चले आए, पहले घटना हुई कि उनको पता नहीं था, गए यहाँ से पानी नहीं आ रहा था दोरों से, वाटर बोर्ड के ऑफिस गए, वहाँ जा करके 4-5 लोगों को पीट दिया, किसी का सर फटा, इनमें से 2-4 लोग जेल के अंदर, अब सारे परेशानी हो गए। लेकिन जब ये मूवमेंट खड़ा किया महिलाओं ने, लिखित में अप्रोच किया, लोगों को लेटर लिखे, वर्क किया और वहाँ पे कामयाबी मिली। तो ये एक फ़र्क होता है कानून से और बिना कानून के इस्तेमाल किए हुए। ये छोटे छोटे मामले होते हैं जिसमें कोर्ट में केसेस पेंडिंग हो रहा होता है। आप देखेंगे कि आज के डेट में इंडिया में 3 करोड़ केसेस बहुत एक आम चर्चा हो गई है कि 3 करोड़ केसेस पेंडिंग है, मतलब उसका फैसला करते करते अगला 200-300 साल तो लग ही जाएगा अगर कायदे से किया जाए तो, या तो कोर्ट बढ़ाया जाए नहीं तो इतने हाल में। तो उस केसेस में लोगों को ये बता दिया जाता है कि एक अथॉरिटी है नालसा जिसके तहत स्टेट लेवल पे स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है, और सबसे छोटा लेवल जो हमारा जो तहसील होता है या फिर सब डिवीजन कहते हैं वहाँ पे TLC तालुका लीगल सर्विस कमेटी होती है।
अब उसके माध्यम से आप छोटे छोटे मुद्दों का निपटारा करवा सकते हैं, चेक बाउंस हो गया, बिजली का केस लगा हुआ है, वाइफ हस्बैंड के कुछ सेटलमेंट है जो छोटे से मामले के तारीख को तारीख होता रहता है, वहाँ पर आकर आप करवा सकते हैं। तो उनको जब पता चलता है, बहुत सारे लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया और बदलाव आया, लोगों को ये पता चला कि भाई वहाँ से उनको लॉयर मिल सकता है एंटरटेनमेंट। पहले क्या कि लॉयर का पता ही नहीं है, भैया लॉयर लेने जाएंगे तो उनके ऐसा संशय होती थी कि एक्सप्लॉइट हो सकते हैं, तो जब उनको फ्री ऑफ कॉस्ट का लॉयर DLSA से मिल जाएगा तो वो अपनी राइट्स के लिए बात उठा सकती है, मेंटेनेंस की बात उठा सकती है। फॉर एग्जांपल कोई महिला, अब वो सिर्फ इसलिए नहीं उठा सकती थी मुद्दे को, कुछ सोचता था कि मैं वकील का पैसा कहाँ से लाऊं। तो जब उनको ये पता चला ज़्यादा लोगों को कि नहीं, उनको फ्री लीगल एड मिल सकता है DLSA से, अपने ज़िला प्राधिकरण से या तालुका स्तर पर, चूँकि हम दिल्ली से सिर्फ इंडिया को नहीं देखते, हम इंडिया को देखना है तो हमें गांव में आना पड़ेगा या जो तहसील या कस्बे स्तर पे, तो वहाँ पे बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन उनको जब ये पता है कि नहीं, हाँ वकील मिल सकता है हमको फ्री ऑफ कॉस्ट का, वकील ले करके और फिर अपने प्रोसेस में जाते हैं और करते हैं। कमियाँ तो हैं बहुत सारी, लेकिन शुरुआत तो हो गया ना। और इस तरह से हम पॉजिटिविटी से देखें तो बदलाव तो काफ़ी है, बदलाव आगे भी होता रहेगा उम्मीद है। हमने एक नारा बनाया था और नारा था, हाशिए के लोग चले न्याय की ओर।